नेशनल हाईवे ग्रीन कॉरिडोर 152 डी की अधिग्रहित जमीन का कब्जा लेने गई टीम पर किसानों द्वारा फसलें बर्बाद करना, रास्ता और ट्यूबवेल के अलावा पाइपलाइनें तोड़ने का आरोप लगाया गया है। किसान नेता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि खापो और किसान संगठनों के साथ मिलकर महापंचायत में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। अवैध जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा 4 जिलों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दादरी जिले में लगते गांव खातीवास के करीब 4 किलोमीटर एरिया में कब्जा कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य इस क्षेत्र में अधूरा पड़ा है। यहां के किसानों द्वारा लगातार 2 साल से मुआवजा बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना दिया गया। पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की किसानों के साथ वार्ता भी हुई। किसान अपनी जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक अमला द्वारा अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कब्जा कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को इतला नहीं दी, अचानक से आकर के और कब्जा कार्रवाई शुरू की। जब किसान अपने सुबह खेतों में घूमने के लिए जाते हैं, अपने उसके पशु वगैरह का कोई नुकसान हो या और कुछ हो, उसको संभालने के लिए जब गए, तब उन्होंने पता चला कि ये तो आज इस तरह से कब्जा कार्रवाई हो रही है। जो भी वहाँ उनसे बात करने के लिए गया, उसी को गिरफ्तार कर लिया। 24 किसानों को जो है इन्होंने गिरफ्तार किया। बाकी कहीं भी कोई भी अगर उनसे एक बात भी पूछने के लिए गया कि जी हमको कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं किया, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया या वापस भगा दिया। किसी को अपने खेत में भी नहीं जाने दिया, किसी को कुछ नहीं करने दिया। आज भी इन्होंने खातीवास से रावलदी का जो रास्ता है वो उसमें गड्ढे कर दिए हैं और बिल्कुल जो है रास्ता बंद कर दिया है। अगर कोई किसान अपना खेत में जाने के लिए कोशिश करता है, उसको नहीं जाने दे रहे। यहाँ तक कि वाटर सप्लाई का जो कर्मचारी है, जो पानी की सप्लाई देता है, वो गया, उसको भी नहीं जाने दिया, जिससे कि पानी, पीने के पानी की बहुत